सुप्रीम कोर्ट से अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलने से अरविंद केजरीवाल की लॉटरी लग गई और वे उन सारे अफसरों को पद से हटाने में जुट गए जिनकी वजह से उनकी सरकार पर घोटालों के आरोप लगे या जिन्होंने केजरीवाल सरकार के घोटालों की पोल खोलकर रख दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटाया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के बंगला घोटाले की जांच कर रहे विजिलेंस सचिव से काम काज छीन लिया गया और इस तरह से अरविंद केजरीवाल के बंगला घोटाले को फाइल्स में दफन कर दिया गया। रेनोवेशन के नाम पर नया बंगला बनवाने वाले अरविंद केजरीवाल बंगले को आलीशान बनाने के लिए खजाने से खर्च किए गए करोड़ों के खेल पर अब पर्दा डाल दिया गया है जिसकी जाँच LG के आदेश से की जा रही थी। इसके पहले सौरभ भारद्वाज ने आवास के नवीनीकरण में गड़बड़ियों की जांच कर रहे अधिकारी को नोटिस भेजकर उनके खिलाफ आरोप लगाए थे। केजरीवाल सरकार ने सतर्कता विभाग के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर से सारा काम वापस लेने को कहा है। राजशेखर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के जीर्णोद्धार में कथित भ्रष्टाचार की जाँच कर रहे हैं। सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राजशेखर के खिलाफ जबरन वसूली रैकेट चलाने और सुरक्षा धन की मांग करने की शिकायतों का हवाला देते हुए अधिकारी को सौंपे गए सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया। इसके पहले सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष माधवराव मोरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मोरे पर कथित रूप से तबादले की फाइल्स चलाने की बजाय ड्यूटी से बिना सूचना गायब रहने का आरोप लगाया गया है।